साधना से यही होता है। तीन प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक व्यक्ति वो है जिसको खुद को अंदर की आवाज सुनाई नहीं देती। एक अंदर की आवाज होती है ना, वो खुद ही नहीं सुन पाता, इसलिए तो वो ऐसा ऐसा कर देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। दूसरा व्यक्ति वो है साधना करके, जिसे अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। अर्जुन, युधिष्ठिर, ये लोग गलत नहीं कर पाते क्योंकि इनकी अंतरात्मा गलत करने ही नहीं देती। साधना करके जीवन में एक और स्थिति मिलती है जब अंदर की आवाज खुद को क्या पूरी दुनिया को सुनाई देने लगती है, उसी स्थिति को कथा कहते हैं।